सो एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन। और अब मैं जा रहा हूँ आज के लेक्चर की तरफ बच्चों। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जहां तक पढ़ लिया था अपनी क्लास में, उससे आगे ही कॉन्टिन्यू करेंगे आज। तो आप सबके सामने स्क्रीन आ चुकी है, आप लोग चैट में मेरे पास रिप्लाई कर सकते हैं, क्या सबको अच्छे से स्क्रीन नजर आ रही है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं बेटा। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। ओके, तो एवरीवन कैन सी द स्क्रीन। So let's start today's class. तो बच्चों आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। और अब तक मैंने जो अपने सेक्शन में पढ़ा दिया था बच्चों, मैंने पढ़ा दिया था आपको कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था और हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया था, है ना। आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या टॉपिक होने वाला है आज का बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सभी बच्चे जल्दी से नोट्स निकाल लें, मतलब कॉपियां निकाल लें और नोट्स साथ साथ बनाते जाए जो जो मैं समझाऊंगा। तो आज का टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो टुडेज टॉपिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो बच्चों व्हाट आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस? बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, देखो डीकम्पोज, क्या वर्ड आ रहा है इसमें बच्चा पार्टी? डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूं तो क्या बनेगी कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। तो बेटा वो केमिकल रिएक्शन जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि हमारे पास इन केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट तो सिंगल होगा, ध्यान रखना है एक ही रिएक्टेंट होगा, और जो प्रोडक्ट होंगे बेटा वो दो या दो से ज्यादा होंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि सपोज मेरे पास, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, कि सपोज मैंने क्या किया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब ले ली। तो एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, तो इस तरह से बच्चों मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली ये, ठीक, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने फेरस सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया। किसके क्रिस्टल डाल दिए मैंने इस टेस्ट ट्यूब में? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाल दिए इस तरह से, ठीक है। किसके क्रिस्टल डाल दिए बेटा? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, ठीक है। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें कौन से क्रिस्टल डाले हैं मैंने? फेरस सल्फेट FeSO4, इसके क्रिस्टल डाल दिए हैं बच्चा पार्टी। और अब अगर मैं इसको क्या करूं? गर्म करूं। क्या करूं इसको मैं? अगर हीट करूं तो क्या होगा इसको हीट करने से? वो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं इसको बर्नर के ऊपर रख दूं, ये हमारा बर्नर है सपोज, ठीक है, ये बर्नर है, और बर्नर को ऑन कर दूं और इसको करूं गर्म, तो क्या होगा गर्म करने से? यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी बच्चों। तो जब मैं इसको गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो आप देखोगे कि जो मेरा फेरस सल्फेट है इसका कलर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको स्कूल में केमिकल रिएक्शन करके भी दिखाई थी रुचि मैम ने, ठीक है ना। तो आप क्या देखोगे बच्चों कि जो हमारा फेरस सल्फेट है ये FeSO4, जब इसको क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा,
तो क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा। सबसे पहली बात तो क्या चेंज होगा, इसका कलर। और इसके अलावा इसमें से कुछ गैसेस निकलेंगी, ठीक है, और वो गैसेस कौन सी होंगी, उन गैसेस की स्मेल कैसी होगी, बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल इसमें से आएगी। कैसी स्मेल आएगी, बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आएगी बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हुआ, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट तो सिंगल था, अकेला आयरन सल्फेट था, फेरस सल्फेट Fe2SO4, इसको मैंने किया गर्म। और जब बच्चों इसको मैंने गर्म किया तो आप देखोगे इसमें एक इसका कलर चेंज हो जाएगा और ब्लैक कलर का बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। एक तो ये बनेगा, साथ में निकलेंगी गैसेस, एक निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक निकलेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये जो रिएक्शन हुई जो आपके सामने मैंने लिखी है, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि आप देख सकते हो इस रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट है और हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट है, देख सकते हो ना। सो वी हैव सिंगल रिएक्टेंट, देखो अकेला रिएक्टेंट है और कितने प्रोडक्ट है, एक दो तीन, तो तीन प्रोडक्ट है। तो आपने सिंपली बच्चों ध्यान रखना है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हों, वो क्या कहलाएगी, हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी, और रिएक्टेंट हमारा सिंगल ही होगा। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की खास बात क्या है बच्चा पार्टी, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि जो फेरस सल्फेट था, इसको मैंने क्या दी, यहाँ पे एनर्जी दी। एनर्जी किसकी फॉर्म में दी मैंने, यहाँ पे हीट की फॉर्म में, है ना, किसकी फॉर्म में दी मैंने यहाँ एनर्जी, हीट की फॉर्म में। और जरूरी नहीं है कि सभी केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों वो हीट की फॉर्म में ही होगी, हीट के अलावा भी हम और भी फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू एनर्जी दे सकते हैं, जैसे कि करंट। बेटा ये जो जिसने भी क्रॉस किया है इसको हटा दो, मुझे दो मिनट में पता लग जाएगा ये किसने किया है, ठीक है। तो एक तो हमें ये पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो एनर्जी हमें बेटा या तो देनी पड़ती है हीट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या सनलाइट की फॉर्म में। तो हम एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं उसके हिसाब से हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस तीन तरह की होती हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैं जाऊंगा, अभी फिलहाल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आई थिंक सबको समझ में आ गया। अगर सबको समझ में आ गई तो जल्दी से चैट में रिप्लाई करें सभी बच्चे अभी के अभी। अगर सबको समझ में आ गया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो चैट बॉक्स में सभी के सभी रिप्लाई करें। ओके, जसकीरत का मैसेज आ चुका है, दीपाक्षी को समझ में आ गया, जसकीरत को, पुष्कर को, तनीषा को, यति वर्मा को, ठीक है, राघव को समझ में आ गया भाई, पलक को, जसलीन को, प्राची को, मनदीप, निशांत, ओके, अवजीत, लविश, सुमित, गुज्जर, ओके। तो यानी कि मैक्सिमम सभी बच्चों को समझ में आ गया, ऋतिक, कश्यप, मुस्कान, गुरप्रीत, ओके। तो चलिए बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो तीन तरह की होती है बच्चों। पहले नंबर पे जो आती है उसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है ना, अभी पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बच्चों जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूटता है, वो तीन तरह की होती हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन पे आती है आपकी जिसमें हम हीट दे रहे हैं, यानी के थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक ऐसी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो एनर्जी दी जा रही है वो हीट की फॉर्म में दी जा रही है, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन क्या है, जिसमें एनर्जी किसकी फॉर्म में दी जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और फिर तीसरे नंबर पे बच्चों आती है फोटो डीकम्पोजिशन, क्या आती है, फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, जिनमें एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में दी जाती है। तो इसको मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो इससे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल, थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट। तो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनमें जो हम एनर्जी, हाँ बेटा ये नोट्स में लिखने हैं गुरप्रीत,
तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस है बेटा जिनमें जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो किसकी फॉर्म में दे रहे हैं, हीट की फॉर्म में। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन, हीट नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे आएगा एनर्जी। ठीक है कि द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बेटा वो केमिकल रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो किसकी फॉर्म में दे रहे हैं, हीट की फॉर्म में, उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर है? अब जैसे आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं, अभी जो हमने रिसेंटली इससे पीछे भी हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था आप देख सकते हो, ये जो एग्जाम्पल है आयरन सल्फेट वाला बच्चों, ये भी तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो है हमने किसकी फॉर्म में दी है एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, किसकी फॉर्म में दी है बेटा एनर्जी, हमने हीट की फॉर्म में दी है, तो ये भी तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और भी बहुत से एग्जाम्पल है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे पास आता है बर्निंग ऑफ लेड नाइट्रेट। कि अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लूं, ठीक है, कि क्या करूं मैं एक बच्चों टेस्ट ट्यूब ले लूं, कि सपोज ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में मैं डाल देता हूं लेड नाइट्रेट, जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आपको क्लास में ये एक्टिविटी करवाई भी थी, मैंने इसमें क्या डाल दिया, लेड नाइट्रेट डाल दिया जी। ठीक है, ये मैंने क्या डाला, जो इसमें पाउडर डाला बेटा, ये क्या है हमारा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 twice। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये लेड नाइट्रेट, और फिर इसको मैं करता हूँ हीट, क्या करता हूँ बेटा, इसको मैं हीट करता हूँ, तो ये मैंने बर्नर ले लिया जिसपे मैं इसको गर्म करूंगा। तो जैसे ही बच्चों मैं बर्नर को ऑन करता हूं, मतलब इसको गर्म करना शुरू करता हूं, जैसे ही बर्नर को ऑन करता हूं, इसको जलाना शुरू करता हूं, हीट करना शुरू करता हूं, तो क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं ना, तो आप देखोगे उसके हीट होने से ना ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, टेस्ट ट्यूब में से बेटा ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, फ्यूम्स मतलब धुआं टाइप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है, एक गैस निकलेगी, ये जो गैस यहाँ पे निकली ये कौन सी गैस होती है बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, NO2 गैस, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है। ठीक, तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हुई है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो आपने आंसर लिखना है कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, कि अगर मैं लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 twice, ये फॉर्मूला है इसका, लेड नाइट्रेट को बच्चों अगर मैं करता हूँ गर्म, हीट करता हूँ लेड नाइट्रेट को, क्या किया जाए बेटा, अगर हीट किया जाए, तो अगर लेड नाइट्रेट को किया जाता है हीट, ठीक है, मैंने किया इसको हीट, गर्म किया, तो ये एक तो ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनाता है लेड ऑक्साइड, यहाँ पे ये जो आपको लेड नाइट्रेट दिख रहा था ना व्हाइट कलर का, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और एक ब्लैकिश कलर का ऑक्साइड बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड, प्लस ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी, ब्राउन कलर की फ्यूम्स जो है ये कौन सी गैस की वजह से है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं ये कौन सी गैस की वजह से निकल रही है बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है ना ये ब्राउन कलर की होती है बच्चा पार्टी, ये हमारा क्या बना है, लेड ऑक्साइड। ठीक है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, लेड की स्पेलिंग होती है LEAD, लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड बना, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकली नाइट्रोजन ऑक्साइड की, साथ में बच्चों क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का, क्योंकि इसमें जो एनर्जी दी है हमने किसकी फॉर्म में दी है भाई,
हीट की फॉर्म में दी है और सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन भी है, और क्योंकि हीट दी है तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें ताकि हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ जा सकें। ओके, सुमित को समझ में आ गया, पलक को, जसकरण को, गगनदीप को, जसलीन को, राघव को, गैलेक्सी J7 को, नहीं ठीक है ना, पुष्कर, ऋतिक कश्यप, प्राची को, यशवी को, अक्षिता को, यति वर्मा, गुरप्रीत गुज्जर, बलबीर सिंह, तो इन सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं बेटा कृतिका, ठीक है ना, तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप। ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा हमने, थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया, कॉपी में लिखते रहें, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है आप सबको अपनी कॉपी की फोटोज खींच के उसकी PDF फाइल बना के मेरे पास भेजनी है, मैं चेक करूंगा किस किस बच्चे ने होमवर्क किया है, जिसने होमवर्क किया होगा अटेंडेंस उसी की लगेगी। क्लियर है? तो साथ साथ लिखते रहें सभी बच्चे। अब आते हैं ये लेड नाइट्रेट वाला, तो आपको बता दिया बच्चों मैंने, फेरस सल्फेट भी बता दिया था। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जाम्पल देखो, तीन एग्जाम्पल हमने कर लिए, लेड नाइट्रेट वाला ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है ना, फेरस सल्फेट का भी मैंने आपको बता दिया था कि जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, और साथ में बेटा एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, ये नहीं कराया ये बता देता हूँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, ये एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, कि अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं और इसको क्या करूं बच्चों, हीट करूं, तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुई, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुई। क्लियर है ना? देखो सिंगल रिएक्टेंट है और दो से ज्यादा प्रोडक्ट है, दो दो प्रोडक्ट है ना, तो रिएक्टेंट सिंगल है, हीट कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट आती है टाइप हमारे पास, टाइप नंबर टू जो आपको बताया था, सेकंड टाइप बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, जो है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, है ना, क्या है ये, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, नाम से ही पता लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक यानी कि करंट, है ना, तो अगर हम किसी रिएक्टेंट में से करंट पास कराएं और तब अगर वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन अगर इसकी लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं यानी कि करंट का इस्तेमाल करते हैं बच्चा पार्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। मतलब इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, जो सर, हमारा सॉल्यूशन है एक रिएक्टेंट चीज के बाद का, क्या सर? इसे बिजली पास करते हैं, करंट पास करते हैं, ठीक है ना, और जब उसमें से करंट पास होता है तो वो हमारा जो रिएक्टेंट है बच्चों, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो चलिए रिपीट करने को कहा है पुष्कर ने, मैं समझा देता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या है बेटा, अभी एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा पुष्कर। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन देखो नाम से पता लगा है, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट, क्या मतलब होता है, करंट, तो अगर हम सॉल्यूशन में से क्या पास करवाएं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं, और तब वो जो सॉल्यूशन है मेरा वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। मतलब जो एनर्जी आपको देनी थी, जैसे इससे पहले वाली रिएक्शंस में आप एनर्जी दे रहे थे हीट की फॉर्म में, लेकिन अब जो हमारे पास रिएक्शन है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, इसमें राघव मित्तल इसको हटा लो, क्रॉस ये जो तुमने लाइन खींची है स्क्रीन पे इसको हटा लो राघव, वरना तेरे घर वालों से बात करने वाला हूं मैं, ये शरारत जो भी करेगा ना स्क्रीन पे वो पिटेगा बहुत, घर आके ही पिटूंगा उसको फोन में से निकल के। राघव ये जो लाइन आपने खींची है इसको हटाओ बोर्ड पे से, मैं बात करने वाला हूँ आपके पेरेंट्स से। राघव रिप्लाई करे, स्क्रीन पे जो ये लाइन खींची है रेड कलर की इसको हटाए। राघव मित्तल
राघव मित्तल, मैं आपको क्लास से बाहर करने वाला हूँ, लास्ट वार्निंग। या तो मैसेज में मुझे बताओ कैसे तुमने लाइन खींची, क्यों खींची। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है जी, आ गया सबको समझ में। तो राघव मित्तल के घर आज मैं बात करने वाला हूं, उसने चलती चलती वीडियो तो यहां तक हो गया भाई। अब इसको ठीक कर लेते हैं, पहले जो ये राघव ने गलती की है, अभी राघव मित्तल के घर फोन किया जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो चलिए देखो बेटा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आई थिंक ये समझ में आ गया कि जिसमें पुष्कर, आई होप आप लोगों को आपको समझ में आ गया कि जब जो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो जब हम एनर्जी देते हैं किसकी फॉर्म में बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या है इसका एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का कैसे इसका एग्जाम्पल हुआ, तो मैं समझाता हूँ आपको। अब सपोज वाटर, वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, H2O। तो वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो अगर आपको वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग करनी है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि आप पानी लोगे एक बिकर में और उसमें से करंट पास करवाओगे। पानी में से क्या पास करवाओगे, करंट। तो जब पानी में से करंट पास कराया जाएगा, तो आप देखोगे कि पानी में से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। अगर इसको बैलेंस करता हूं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो पानी में से अगर मुझे हाइड्रोजन अलग करनी है, ऑक्सीजन अलग करनी है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो एग्जाम्पल देता हूँ आपको कैसे इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। हमने क्या किया, सपोज हमने एक बीकर ले लिया, इस तरह से ये क्या ले लिया हमने, एक बीकर, और इस बीकर में नीचे मैंने होल कर लिया, और उस होल में मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ पे इस बिकर में नीचे मैंने एक होल कर लिया, और उस होल के थ्रू मैंने इसमें क्या लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब ये कह सकते हो आप, मेटल की पीस इसमें से हमने ऐसे निकाल के लगा दिए होल करके। ठीक है, एक मेटल का पीस ऐसे लगा दिया बिकर में इसके बेस में से, ठीक है ना, और एक मेटल का पीस ये लगा दिया। यहां तक समझ में आ गया। फिर हमने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया। क्या डाल दिया इसमें, बिकर को पानी से भर दिया। बिकर में मैंने फिर क्या डाल दिया बच्चों, वाटर। तो ये हमने बिकर में डाल दिया वाटर। तो ये हमने डाल दिया इस बिकर में बेटा वाटर। अब आपको पता है प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता अपने में से, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा साल्ट भी ऐड कर दिया, ताकि ये करंट को अपने अंदर से इजीली पास कर सके। फिर हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, और उन टेस्ट ट्यूब्स को जो है इसके ऊपर ढक दिया। एक टेस्ट ट्यूब मैंने ये ले ली, दिस इज टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब बी। तो 2 टेस्ट ट्यूब्स मैंने ली, ये है हमारी टेस्ट ट्यूब ए, ये है टेस्ट ट्यूब बी। इनको मैंने उल्टा करके ढक दिया इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है। अब ये जो मैंने मेटल की इलेक्ट्रोड्स बेटा डाले थे, इनके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक बैटरी, ठीक है। इनके साथ क्या कनेक्ट कर देता हूँ बच्चों, मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये है हमारी एक बैटरी, ये बैटरी का सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा, तो सर्किट में क्या जाएगा बच्चों, करंट जाएगा बैटरी कनेक्ट करने से भाई। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करूंगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा किस तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ,
ऐसे ऐसे जाएगा ना करंट सॉल्यूशन में से। अब जो इलेक्ट्रोड मेरा पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड। सबको पता है ना पॉजिटिव से जो टर्मिनल कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एनोड। और जो टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोड उसे बोलते हैं एनोड, जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो एक मेरे पास एनोड हो गया और एक मेरे पास कैथोड हो गया। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक। अब जैसे ही हम करंट पास कराएंगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से बच्चों पानी जो है उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। हाइड्रोजन कौन से आयन बनाती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, H+ आयन। और ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन बच्चों बनाती है नेगेटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे इकट्ठी हो जाएगी, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है बच्चों वो हमारी कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, टेस्ट ट्यूब ए में। कहाँ कलेक्ट हो जाएगी वो, टेस्ट ट्यूब ए में। कौन सी गैस इकट्ठी हो जाएगी टेस्ट ट्यूब ए में भाई, हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाती है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इकट्ठी होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन क्योंकि बेटा नेगेटिव आयन बनाती है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, मतलब एनोड की तरफ। दूसरी तरफ हमारे पास कौन सी गैस इकट्ठी हो जाएगी बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सी इकट्ठी हो जाएगी, ऑक्सीजन। अभी करता हूँ बेटा रिपीट। ठीक है ना, तो टेस्ट ट्यूब बी में बच्चों हमें कौन सी गैस मिलने वाली है, ऑक्सीजन गैस मिलने वाली है। तो इस तरह से आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई। क्लियर है? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, राघव ने कहा है रिपीट करने को। तो बेटा राघव देखो सिंपल है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि जब हम पानी में से करंट पास करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। के इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है कि पानी में से आपने पानी को एनर्जी दी, एनर्जी किसकी फॉर्म में दी, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, यानी कि करंट की फॉर्म में। हमने क्या किया था, शुरू में एक बिकर लिया था, उस बिकर में हमने पानी भर लिया था। उसके अलावा बिकर में हमने दो क्या लगा दिए थे, इलेक्ट्रोड। ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड जिसे एनोड बोलते हैं, ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड जिसे कैथोड बोलते हैं। फिर इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने जोड़ दिया था बच्चों बैटरी के साथ। जैसे ही बैटरी से जोड़ूंगा तो सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट। और दूसरा आप देख सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और हाइड्रोजन बनाती है पॉजिटिव आयन। कैसे आयन बनाती है हाइड्रोजन, पॉजिटिव आयन। और ऑक्सीजन कैसे आयन बनाती है बेटा, नेगेटिव आयन। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ। तो हाइड्रोजन जो है हमारी वो नेगेटिव यानी कि कैथोड की तरफ इकट्ठी हो जाएगी। तो इस टेस्ट ट्यूब में मुझे मिलने वाली है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पॉजिटिव की तरफ इकट्ठी हो जाएगी तो इस टेस्ट ट्यूब में मुझे मिलने वाली है ऑक्सीजन। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से रिप्लाई करें क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है लेक्चर का, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। इसके अलावा एक चीज और जल्दी से बेटा आपको समझा देता हूँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से एक टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हो ज्यादा गैस है, एक टेस्ट ट्यूब में कम गैस है ना। टेस्ट ट्यूब ए में गैस ज्यादा है, टेस्ट ट्यूब बी में गैस कम है। तो क्वेश्चन आता है कौन सी गैस ज्यादा है, तो कौन सी गैस ज्यादा है, हाइड्रोजन। क्यों है, आप देख सकते हो इस केमिकल रिएक्शन को जब मैंने बैलेंस किया तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं यहाँ, 2, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं यहाँ, 1। तो इसलिए आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, 2:1 में है। तो जब भी हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं बेटा तो क्या होता है, वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और हमें क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल होती है। देखो यहाँ 2 लिखा है ना हमने जब इसको बैलेंस किया, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ, मतलब ये जो मेरी रिएक्शन थी जिसमें वाटर टूट रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो जब मैंने इसको बैलेंस किया तो साफ साफ पता चला। देखो बैलेंस कैसे किया, इसमें एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 2। तो यहाँ पे मुझे 2 ऑक्सीजन करनी पड़ेगी तो मैंने आगे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन अब हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 2 जा 4। तो यहाँ भी मैंने हाइड्रोजन 4 करने के लिए 2 लगा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब हम वाटर को तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो रिएक्शन को बैलेंस करने पे साफ साफ पता लग रहा है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में है, हाइड्रोजन जो है बेटा ऑक्सीजन से वो डबल अमाउंट में है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट में जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन आई है ना वो देखो ज्यादा है, ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी हमेशा, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से डबल मिलने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन हमेशा क्या होगी, ऑक्सीजन से डबल होगी। तो ये था
आज का लेक्चर आई होप सबको समझ में आया। तो अगर सबको समझ में आया तो जल्दी से चैट में रिप्लाई करें, ठीक है। सबको समझ में आ गया तो मैं स्क्रीन रोक देता हूं, अब आप लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं कॉपियां चेक कराएंगे बेटा एक बार, सभी अपने अपने कैमरे के सामने अपने नोट्स निकाल लें, सब लोगों को देख सकता हूं। गगनप्रीत बेटा अपनी कॉपी दिखाओ मुझे, जसकीरत की कॉपी मैंने चेक कर ली, गगनप्रीत ने भी नोट्स बना लिए हैं, ओके, जसकीरत ने भी नोट्स बना लिए हैं, शाबाश, के भी मैंने नोट्स देख लिए, लवीश, लवीश बेटा ध्यान से प्रॉपर दिखाओ नोट्स, मुझे दिख नहीं पा रहा, ओके लवीश ने भी बना लिए हैं, राघव, सिमरन, यति, गैलेक्सी J7, सिमरन, इवन जी, ठीक है ना, प्राची,